गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 लिम्नोलॉजी, जिसका जो है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 लिम्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू लिम्नोलॉजी, और उसमें इंडियन वाटर टाइप्स में हमने लैंटिक और स्टैटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। तो दो टाइप के इनलैंड वाटर टाइप्स हमने पढ़े थे, तो जिसमें हमने लैंटिक और लॉटिक हम लोग पढ़ने वाले थे। तो लैंटिक इन्वायरमेंट और लैंटिक हैबिटेट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने अलग अलग वाटर बॉडीज़ के बारे में स्टडी की थी, जिसमें पूडल्स एंड पूल्स हमने पढ़ा था, फिर पलोडल वाटर हमने पढ़ा था, उसमें स्वैम एंड बॉब वाटर पढ़ा था, उसके बाद हमने उसमें ब्रूक्स क्रीक्स ये भी हमने पढ़ा था, उसके बाद लैंटिक में ही हमने सेमी परमानेंट जो वाटर बॉडीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था, पॉन्ड के बारे में, उसके बाद हमने परमानेंट वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था जिसमें लेक्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने इसके पहले वाली जो पीपीटी है उसमें हमने लैंटिक वाटर बॉडी और लैंटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग उसके बाद का जो टॉपिक है, लैंटिक के बाद जो लॉटिक एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंटिक मींस क्या था, जो वाटर स्टेडी होता है, जो फ्लोइंग वाटर नहीं होता, वो किस में आता है, लैंटिक में आता है। अभी जो लॉटिक इन्वायरमेंट है, मीन्स लॉटिक वाटर बॉडीज़ है, उसमें ऐसे वाटर बॉडी आती है जो कि फ्लो करती है, जो मूव करती है, जैसे रिवर हो गया, नदी हमेशा फ्लो करती रहती है, तो ऐसी जो वाटर बॉडीज़ है वो लॉटिक इन्वायरमेंट में आएंगी। तो अभी हम लोग चैप्टर 7 लिम्नोलॉजी का पार्ट लॉटिक इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लॉटिक इन्वायरमेंट, लॉटिक इन्वायरमेंट आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस एंड आर ग्रुप्ड इनटू फास्ट रनिंग वाटर, स्लो रनिंग वाटर, स्ट्रीम्स, रिवर एंड एस्चुअरीज। तो हमने जब लैंटिक वाटर पढ़ा था उसमें हमने ब्रूक क्रीक्स अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ है पॉन्ड उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम जो लॉटिक इन्वायरमेंट है, फिजिकल फोर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, पानी एक डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है, तो ऐसे जो वाटर बॉडी है उसे लॉटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें इसको ग्रुप किया गया है फास्ट रनिंग वाटर, स्लो रनिंग वाटर, स्ट्रीम्स, रिवर एंड एस्चुअरीज। तो फास्ट रनिंग वाटर में ऐसे वाटर बॉडीज आएंगी जो कि जो पानी फास्ट मूव करता है, स्लो रनिंग वाटर में जो छोटी स्ट्रीम्स होती है जिसका जो पानी होता है वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है, और स्ट्रीम्स नाली जो होती है, ठीक है, और रिवर्स में नदियाँ जो बहती है, एंड एस्चुअरीज में जब कोई वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी जब मराइन वाटर बॉडी के साथ आके मिलती है तो वो जो फॉर्म होती है तो उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। मींस फ्रेश वाटर भी नहीं होता, वो मराइन वाटर भी नहीं होता, तो ऐसी वाटर बॉडी जब कोई स्ट्रीम या फिर रिवर किसी सी वाटर से आके मिलता है तब और उसमें आके बहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एस्चुअरीज कहते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है लॉटिक सिस्टम्स की, जिसे हम लोग रनिंग वाटर कहते हैं। तो देखिए रिवर, स्ट्रीम, क्रीक, और यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स दी गई हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फास्ट और रैपिड रनिंग वाटर। इन फास्ट रनिंग वाटर ऑल स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द स्ट्रीम बेड आर रिमूव बाय वाटर करंट। तो फास्ट रनिंग वाटर जब होता है तब क्या होता है, वाटर के मूवमेंट से, क्योंकि वो जो वाटर है उसका मूवमेंट कैसा है, फास्ट है, इसीलिए जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्ट्रीम बेड होता है, जो नीचे की सरफेस होता है, सरफेस पे जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं,
पानी के बहाव के साथ वो भी रिमूव हो जाते हैं, मीन्स पानी के बहाव के साथ निकल जाते हैं. द बेड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टोन्स, रॉक्स, गिरडर्स एंड लार्ज बोल्डर्स. तो जो बेड होता है, मीन्स बेड किसको कहा गया है, जो सरफेस होती है, ठीक है, मिट्टी की जो सरफेस होती है, जब वो फास्ट मूविंग वाटर वहाँ से मूव करता है, तब मूव करते हुए वहाँ पे जो छोटे पत्थर होते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाता है. जो रेत की तरफ होती है मिट्टी, उसे भी अपने साथ बहा के ले जाता है. और वहाँ पे फिर क्या बच जाता है, बड़े बड़े स्टोन जो कि पानी के साथ नहीं बह सकते, रॉक्स, गर्डल्स मीन्स जो लोहे के कुछ पार्टी बड़े ये होते होंगे, लोहे से बने हुए जो चीज़ें होती होंगी वो, और लार्ज बोल्डर्स मीन्स बड़े पत्थर, बोल्डर्स मीन्स पत्थर, तो ऐसे बड़े पत्थर तो वो वहाँ पे होते हैं एट दी सरफेस. ड्यू टू द फास्ट करंट देयर इज एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, रूटेड प्लांट्स एंड प्लैंकटन. तो ये एक फास्ट करंट होता है, मींस पानी फास्ट मूव होता है, उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कोई भी तरह का वेजिटेशन नहीं हो पाता, वहाँ पे कोई भी तरीके का प्लांट, वहाँ पे रूटेड प्लांट नहीं हो पाता, और उसके वजह से वहाँ पे प्लैंकटन्स भी नहीं होते. वाटर इज़ कोल्ड इन समर सीज़न, और जो वाटर होता है वहाँ का वो समर सीज़न में भी ठंडा ठंडा होता है, क्योंकि पानी कंटिन्यू फास्ट मूव होते रहता है. नेक्स्ट इज स्लो रनिंग वाटर. इन दिस हैबिटेट वाटर मूव्स वेरी स्लोली इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम. तो जो सरफेस होती है उस पर जो सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है, उसके उस पर से जो पानी होता है वो एकदम स्लो स्लो मूव करता है. तो ऐसे हैबिटेट किस में आते हैं, स्लो रनिंग वाटर में. मीन्स कोई छोटी सी स्ट्रीम हो, उसका पानी धीरे धीरे क्या होता है, मूव करता है, तो ऐसे वाटर बॉडी को स्लो रनिंग वाटर कहा जाता है. सच हैबिटेट इज़ फाउंड ऑन रॉकी साइड्स ऑफ रेलवे कटिंग. तो रेलवे कटिंग मीन्स रेलवे के जो बाजू में रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेलवे साइड रेलवेज के साइड में जो पानी बहता है कभी कभी, तो वो एकदम स्लो मोशन में बहता है, वो इसमें आते हैं. या फिर ब्रिजेस एंड स्टोन वॉल ऑफ एम्बैंकमेंट. ब्रिजेस के बाजू में पानी बहता है, और स्टोन वॉल्स जो होती है एम्बैंकमेंट जिससे बनाते हैं, एम्बैंकमेंट के बाजू में जो वॉल्स होती है वहाँ से जब पानी बहता है स्लो मूवमेंट में, ये सब किस में आएंगे, स्लो रनिंग वाटर में. दिस वाटर इज़ रीच्ड इन डिसॉल्व ओ टू कंटेंट. तो ऐसे जो वाटर बॉडीज होती है, ऐसे जो वाटर होते हैं उनमें डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, रिच होते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन. इन वाटरफॉल्स एनिमल डिस्प्ले सेवरल अडेप्टिव फीचर्स. दिस एडेप्टिव फीचर हेल्प देम टू क्लिंग टू दी सरफेस और वेजिटेशन. तो जब वाटरफॉल मीन्स जब बारिश होती है, तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मीन जो छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनमें एडेप्टेशन होता है, मीन्स उनको पंख आना या फिर पैर आना छोटे, तो उससे ये एडेप्टिव फीचर्स के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट जो वेजिटेशन उसमें बढ़ता है, जो प्लांट्स वगैरह बढ़ते हैं उनके सरफेस पे ये आसानी से चढ़ सकते हैं, क्लिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. एनवायरनमेंट इन दिस हैबिटेट इज क्वाइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लेक और पॉन्ड. तो स्ट्रीम्स और रिवर का जो एनवायरनमेंट होता है वो लेक और पॉन्ड से डिफरेंट होता है. वाटर फ्लो इज इन वन डायरेक्शन. तो वाटर फ्लो जो होता है एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू वाटर फ्लो होते रहता है. दिस फ्लो इज़ हैविंग इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल. जिस इस फ्लो का प्लांट वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है उनके ऊपर बहुत अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है. ऑक्सीजन सप्लाई इज़ अबंडेंट एंड टेम्परेचर रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. तो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे अच्छे से रहता है, अच्छे अमाउंट में रहता है, और टेम्परेचर
हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है. इस्चुरीज, व्हेन रिवर मर्ज विद द सी इट डेवलप्स इस्चुरीन कंडीशन. तो इस्चुरी कब फॉर्म होती है, जब कोई एक रिवर है जब सी से आके मिलता है तो उस पॉइंट पे इस्चुरी फॉर्म होती है. मीन्स जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है और फ्रेश वाटर जो रिवर वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है. तो दोनों जब वाटर मिलते हैं तब वहाँ पे क्या होती है, इस्चुरी फॉर्म होती है. इस्चुरीज आर नथिंग बट द ट्रांजिशन बिटवीन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड मराइन वाटर हैबिटेट. तो इस्चुरीज क्या है, एक ट्रांजिशन है किसके बीच में, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के बीच का. एंड आर हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा एंड फौना, और उसका एक अलग फ्लोरा और फौना होता है. उसके बाद है बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेजर्स ऑफ वाटर क्वालिटी. तो हम अभी यहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल मेजर्स पढ़ेंगे वाटर्स के. बायोटिक फीचर ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स प्ले एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल लाइफ इन फ्रेश वाटर हैबिटेट. तो बायोटिक फीचर्स मीन्स क्या होते हैं, कि क्या लाइफ उसमें प्रेजेंट है, उस वाटर बॉडी में किस तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट हैं. तो बायोटिक लाइफ जो होती है, बायोटिक फीचर्स होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल लाइफ इन फ्रेश वाटर हैबिटेट. दीज फीचर्स कैन बी स्टडीड बाई द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेजर्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम. तो ये सब फीचर हम लोग किसके थ्रू पढ़ सकते हैं, फ्रॉम द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेजर्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम. कि उस एक्वेटिक सिस्टम में फिजिकल मीन्स उस फिजिकल में क्या आ जाएगा, pH, उसका टर्बिडिटी और डेप्थ कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सब फिजिकल मेजर्स में आएगा. उसके बाद केमिकल मेजर्स में क्या आएगा, उसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन लेवल कैसी है, CO2 कितना प्रेजेंट है उस वाटर बॉडी में, एंड फिजिकल फैक्टर्स में, सॉरी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मेजर्स में क्या आएंगे, कि किस तरीके के वहाँ पे एनिमल प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सी तरीके की स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब उसमें आएगा. प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वाटर बॉडी इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द सॉइल. तो प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं हम लोग, कि कितने मतलब फिशेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो ये हो गई उसकी प्रोडक्टिविटी, उसमें कितनी बायोलॉजिकल या फिर कितनी लाइफ वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल्स वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है, वहाँ पे प्लैंकटॉन्स कितने हैं, तो ये सब किस में आएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट वाटर बॉडी. तो ये क्या है, ये जो सब चीज़ें हैं, एनिमल जितने भी है, ये सब उस वाटर बॉडी के प्रोडक्ट है. तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट वाटर बॉडी किस पे डिपेंड होती है, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दी सॉइल. तो वाटर क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी अच्छी है वाटर की तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, वहाँ पे सॉइल अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी. द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ नेचुरल वाटर विच आर नेसेसरी फॉर फिश कल्चर आर डिस्क्राइब एज फॉलो. तो फिश कल्चर के लिए किस तरीके के फिजिकल और केमिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है और कैसे नेसेसरी होते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर, वो हम अभी पढ़ेंगे जो कि दिए गए हैं अभी. तो फिजिकल फैक्टर्स में हम लोग डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, वाटर मूवमेंट्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे और टर्बिडिटी एंड लाइट. तो ये सब हम लोग फिजिकल फैक्टर में आज पढ़ेंगे. फिजिकल फैक्टर विच हैज़ अफेक्ट ऑन फिश कल्चर आर. तो फिश कल्चर जब हम लोग करते हैं तो उन पे क्या क्या अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. और जो केमिकल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर ये हो गया और केमिकल फैक्टर जो है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. तो इस स्लाइड में हम लोग सिर्फ अभी फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले हम डेप्थ पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर मूवमेंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद टर्बिडिटी एंड लाइट.
तो पढ़ते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर डेप्थ के बारे में। डेप्थ, डेप्थ मीन्स पानी कितना डीप है। डेप्थ इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो डेप्थ से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। इन शैलो पॉन्ड सन रे पेनिट्रेट्स अप टू द बॉटम। ड्यू टू दिस फोटोसिंथेटिक जोन रीचेस टू द बॉटम, फाइनली इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो शैलो पॉन्ड अगर है, बहुत ज़्यादा डीप पॉन्ड नहीं है, तो उसमें क्या होता है, सन रेज जो है नीचे तक के पूरे बॉटम तक के पेनिट्रेट होती है, ठीक है। तो सन रेज के सन रेज से क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जोन तक के जब अगर सनरेज पहुँच रही है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हमको फिर अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट डेवलप होते हैं। और फिर जब प्लांट अगर डेवलप होते हैं तो जो हमारी फिशेज हैं उनके लिए वहाँ पे फूड नेचुरली डेवलप हो रहा है, तो हमारी फिश अच्छे से फीड कर पाएंगी, जिससे क्या होंगी, उस हमारे वाटर बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें भी अच्छे से प्रोडक्ट मिलेगा। ड्यूरिंग समर सीजन इफ पॉन्ड इज टू शैलो देयर देन वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट बिकम लीथल टू द फिशेस। बट अगर समर सीजन है तो क्या होता है, समर सीजन के टाइम पे बहुत और ज़्यादा शैलो हो जाता है, मींस और उसकी डेप्थ कम हो जाती है, जिसके वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, वो सीधे हमारे फिश पे अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है फिशेस की वो कम हो जाती है, तो ये फिशेस के लिए लीथल हो सकता है। जनरली 2 मीटर डीप पॉन्ड आर कंसिडर एज अ सुटेबल पॉन्ड फॉर फिश कल्चर। तो जनरली जो डेप्थ चिप्स की 2 मीटर होती है, ऐसे पॉन्ड को सुटेबल माना गया है फॉर फिश कल्चर। तो ये हो गया डेप्थ के बारे में। अभी है वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ऑफ बायोकोइनोसिस। तो वाटर मूवमेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ऑफ बायोकेनोसिस। बायोकेनोसिस मीन्स क्या होता है कि जो डिफरेंट अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उस वाटर बॉडी में, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उस हैबिटेट के साथ वो वहाँ पे रहते हैं। तो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट। तो किसी हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोकेनोसिस। बायोकेनोसिस तो वाटर मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इन शेपिंग ऑफ बायोकेनोसिस। तो बिकॉज मूवमेंट हैज़ अफेक्ट ऑन सबस्ट्रेटम। क्योंकि जो वाटर मूवमेंट है उसका अफेक्ट किस पे होता है, सबस्ट्रेटम पे होता है। व्हेन वाटर मूवमेंट इज विगरस देन इट विल कैरी अवे फाइनर पार्टिकल लीविंग ओनली स्टोन। जब वाटर मूवमेंट बहुत जोर से होता है, विगरसली होता है, तब क्या होता है, जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं और बस जो बड़े स्टोन है, जो बड़े पत्थर होते हैं जो नहीं बह सकते, वो वहाँ पे रह जाते हैं। इन वीक मूवमेंट सैंड विल सेटल डाउन टू बॉटम एंड हायर प्लांट टेक देयर रूट इन द सैंड एंड मड। तो जब वो मूवमेंट वीक होता है पानी का, तब सैंड सेटल हो जाती है और उसमें क्या होते हैं, हायर प्लांट्स अपने रूट्स फिक्स कर लेते हैं और वहाँ पर डेवलप होने लगते हैं इन द सैंड एंड मड। इन डीपर पॉन्ड वाटर मूवमेंट स्लोज डाउन। और अगर पॉन्ड अगर डीप है बहुत ज़्यादा, तो वाटर मूवमेंट वहाँ पे कम होती है। इट अलाउज डेड लीव्स एंड फाइन ऑर्गेनिक मैटर फॉल टू द बॉटम एंड प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ फूड। तो जो डेड पानी में जो पत्तियाँ गिरती है, डेड लीव्स होती है एंड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है, जो कि फूड एज अ फूड फिश कंज्यूम करती है। एक्वेटिक एनिमल्स शो एडेप्टेशन इन रनिंग वाटर, दे इनहिबिट अंडर स्टोन एंड प्लांट्स वेयर देयर इज डिक्रीज इन वाटर करंट। तो जब रनिंग वाटर होता है तब एनिमल में बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं अलग अलग प्रकार के,
और एनिमल्स जो होते हैं, इंसेक्ट हो गए, फिश हो गए, तो स्टोन के अंदर या फिर प्लांट के जो पत्तियां हैं उसके नीचे छिपते हैं जब वाटर करंट कम होता है तब। टेम्परेचर, टेम्परेचर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिशेस। तो टेम्परेचर हर एक ऑर्गेनिज्म पे इन्फ्लुएंस करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत सारी फिशेस में डेथ रेट बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म पे इन्फ्लुएंस करता है इंक्लूडिंग फिशेस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक फीडिंग, ग्रोथ, ब्रीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एसेट्रा। तो ये सब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जैसे फीडिंग, ग्रोथ, ब्रीडिंग एंड रेस्पिरेशन, तो इन सब पे इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का, इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन पे टेम्परेचर का असर होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कितना है किसी वाटर बॉडी में ये भी किस पे डिपेंड है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड है। इन लो टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर, जब टेम्परेचर कम होता है तो डीओ ज़्यादा होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हायर वाटर। तो हायर वाटर में कम होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। फ्रेश वाटर फिशेज सच एज कतला, रोहू एंड मृगल आर एबल टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज एक्जॉटिक कार्ब्स अनेबल टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जो हमारी फ्रेश वाटर फिशेज है जैसे कि कतला है, रोहू है, मृगल है, तो ये सब इंडियन मेजर कार्ब्स है, तो इंडियन मेजर कार्ब जो है टॉलरेट कर लेती है अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर पाती है। वेयर एज एक्जॉटिक कार्ब जो है, बट जो एक्जॉटिक कार्ब है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती है। इन द सेम मैनर कोल्ड वाटर फिशेज ऑल्सो अनेबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो उसी तरीके से कोल्ड वाटर फिशेज जो होती है जो हमेशा ठंडे पानी में पाई जाती है वो फिशेज भी हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाती है और सर्वाइव नहीं कर पाती है। टर्बिडिटी मीन्स ओपेकनेस ऑफ वाटर एंड इट इज़ ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट, क्ले, प्लैंकटन एसेट्रा। तो टर्बिडिटी मीन्स पानी में जो क्या कह सकते हैं हम, टर्बिड जब हो जाता है वाटर मीन्स मराठी में से हम गड्ढूर बोलेंगे, ठीक है, जब पानी मठमैला हो जाता है, ठीक है, मैला पानी, ठीक है, पानी में पानी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, जैसे हमारा पीने का पानी होता है वैसे क्लियर नहीं होता, उसमें मिट्टी रहती है, तो उसके वजह से वो जो पानी है उसमें टर्बिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर की टर्बिडिटी। तो वो क्यों होती है, ड्यू टू सस्पेंडेड मटेरियल मैटर, जैसे पत्तियाँ गिर जाए उसमें कुछ कचरा हो जाए और बाकी जो मटेरियल है सिल्ट है, क्ले है, प्लैंकटन है, उसके वजह से क्या होती है टर्बिडिटी बढ़ जाती है, पानी का मैलापन बढ़ जाता है। इन रेनी सीजन वाटर बिकम मोर टर्बिड। तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, पानी और टर्बिड हो जाता है, हमारे घर पे भी जो पानी आता है पीने के लिए वो भी टर्बिड वाटर आता है कई बार, तो ये ज़्यादातर कब होता है, रेनी सीजन के टाइम पे। टर्बिडिटी रिस्ट्रिक्ट पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो टर्बिडिटी के कारण क्या होता है, सनलाइट अच्छी तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है जिससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। फाइनली इट अफेक्ट्स ऑन टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, फाइनली हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। लार्ज साइज सस्पेंडेड पार्टिकल चोक्स एंड इंजोर गिल्स। तो जो बड़े साइज़ के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पानी में प्रेजेंट, उससे जो हमारी फिशेज हैं वो रेस्पिरेशन के टाइम पे उनके गिल्स में अटक सकते हैं और वो चोक हो सकती है, उससे हमारी फिश मर भी सकती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, उससे रेस्पिरेशन में भी बाधाएं आ सकती है।
इंडियन मेजर कार्प आर एबल टू टॉलरेट रिलेटिवली हाई टर्बिडिटी। तो इंडियन मेजर कार्प जो फिशेज होती है, कतला, रोहू, मृगल, तो ये फिशेज हाई टर्बिडिटी टॉलरेट कर सकती है। नेक्स्ट लास्ट इज लाइट। प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी इज डिपेंड अपॉन लाइट, जियोग्राफिकल लोकेशन, प्रेजेंस ऑफ शेडी ट्रीज एंड टर्बिडिटी। तो प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड है? अपॉन लाइट, लाइट पे डिपेंड है। अगर लाइट अच्छे से आती है तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड है। प्रेजेंस ऑफ शेडी ट्री, तो शेडी ट्री ज़्यादा है तो उसमें लाइट कम आएंगी। एंड टर्बिडिटी, टर्बिडिटी अगर ज़्यादा है तो फिर लाइट अच्छे से नहीं आएंगी। तो ये सब जो रीज़न है इससे हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। लाइट पेनिट्रेट्स अप टू द बॉटम इन द शैलो पॉन्ड, वेयर एज इन डीपर पॉन्ड इट पेनिट्रेट्स अप टू अ सर्टेन डेप्थ। तो लाइट पूरे बॉटम तक के पेनिट्रेट होती है जब पॉन्ड शैलो होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते। वेयर एज डीपर पॉन्ड, अगर हम डीपर पॉन्ड की बात करें तो लाइट कुछ मतलब पूरे डेप्थ तक के नहीं जा पाती है, लाइट बहुत कम एरिया तक पहुंच पाती है। बियॉन्ड दिस डार्क जोन डेवलप्स दिस जोन इज नॉन प्रोडक्टिव जोन। तो जब जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है उससे क्या कहा गया है? डार्क जोन कहा गया है। तो वहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव जोन उसे कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं होते, वहाँ पे प्लैंकटॉन्स नहीं होते, वहाँ पे फूड नहीं होता, इसीलिए उसे नॉन प्रोडक्टिव जोन कहा गया है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं होती। लाइट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंकटॉन। तो लाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंकटॉन। तो अगर लाइट अच्छे से है तो प्लैंकटॉन अच्छे से वहाँ पे पनप पाएंगे, जिसके ऊपर हमारी फिश फीड करेंगी। बाय कंट्रोलिंग फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इट इनडायरेक्टली अफेक्ट फ्लोरा एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। तो अगर फोटोसिंथेसिस कम हो गया तो वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अगर कम हो गई तो वो हमारे फ्लोरा और ऑक्सीजन कंटेंट पे असर करेगी वाटर के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल फैक्टर, जिसमें हमने डेप्थ के बारे में पढ़ा, वाटर मूवमेंट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, उसके बाद टर्बिडिटी, एंड लास्ट में हमने अभी लाइट पढ़ा। जो नेक्स्ट वाला हमारा पीपीटी होगा वो उसमें हम लोग केमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।